हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस KYPM JEE। तो चलिए बच्चों, हम सॉल्व करते हैं KYPM पेपर्स को। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव ए pH एग्जैक्टली इक्वल टू 8। तो ये तो बेटा बहुत आसान है, काफ़ी बच्चों ने, हमें लग रहा है कि सारे बच्चों ने लगभग सबने कर लिया होगा इस प्रॉब्लम को, क्वेश्चंस को। तो बेटा ये सीधे सीधे किस पे बेस्ड है, हम बेटा यहाँ लगाएंगे pH इज इक्वल टू बेटा ये होता है फार्मूला माइनस लॉग, अब बच्चों हो गया H प्लस के, है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों हमने कुछ नहीं लेना है बेटा, माइनस लॉग लिया बेटा 10 टू द बेस है, माइनस लॉग भी बेटा लिया है ये बस 10, ये बच्चों हो जाएगा 10 के पावर बेटा माइनस 8 ना बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 8 बेटा, ये इधर आ जाएगा तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 लॉग 10 के, तो ये बेटा हो जाएगा लॉग 10 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो बेटा 1 होती है, तो बेटा 8 इंटू 1 ये हम कह सकते हैं 8 के। तो बेटा हम कह सकते हैं बेटा करेक्ट आंसर हेयर ये बेटा होगा ये ऑप्शन नंबर 2, है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोल NH3 एट 25 डिग्री सेल्सियस इन सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू बेटा एट 11, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों हम इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के इधर जगह यहाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा हम सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या कह रहा है बच्चों, जैसे मान लीजिए NH3 है बच्चों, और जो मान लीजिए NH3 लिया बेटा, और जो मान लीजिए बच्चों H2 लिया, चलिए बच्चों तो ये हो जाता है बेटा, यहाँ हम कह सकते हैं कि बेटा अगर हमने NH4 ले लिया OH हो गया यहाँ पे बेटा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो ये बच्चों हो जाएगा NH4 प्लस के और बेटा हो जाएगा OH माइनस के। तो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल पे जो है बेटा इनिशियल NT इज इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा, कंसंट्रेशन बेटा यहाँ बेटा 0 होगा। अब बच्चों हम अगर टाइम डिसोसिएशन एट ए टाइम 2 यानी शुरू हो जाता है बेटा, तो हम यहाँ बच्चों ले लेते हैं कंसंट्रेशन, इसमें क्या हो जाएगा पता ही आपको, डिक्रीज होगा बेटा एक टेंट जब रिएक्शन होना शुरू होता है, तो बच्चों हो जाएगा Cα, अब बेटा हो जाएगा Cα, अब बच्चों हो जाएगा Cα, है ना बेटा। अब सीधे बच्चों हम डायरेक्ट आ जाते हैं, बाकी आप तो जानते ही हमने फार्मूला, तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बेटा हम कर लेते हैं KV अपॉन बेटा Ck। तो बच्चों हम यहाँ पे कह लेते हैं कि pH जो होता है बेटा ये हो जाएगा माइनस लॉग बच्चों हो जाएगा H प्लस के, या बच्चों हम H प्लस दिया हुआ है यहाँ पे 10 का पावर माइनस 11 के, तो बेटा ये हो जाएगा आपका बच्चों H प्लस बेटा ये हो जाएगा बच्चों और OH माइनस बेटा आपका ये हो जाएगा बच्चों क्यों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी 10 के पावर माइनस 14 के। तो बच्चों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा ये हो जाएगा बेटा 10 के पावर माइनस 11 बच्चों, है ना बेटा 10 के पावर माइनस 11, ये बच्चों हो जाएगा OH माइनस, ये बच्चों हो जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कितना है बच्चों 10 के पावर माइनस 14 के। अब बच्चों हम OH माइनस ले लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा KW अपन हो जाएगा बेटा H के, H है ना, ये क्या हो जाएगा KW अपन H प्लस के बेटा, है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ बेटा हम क्या ले लेंगे, सीधे सीधे आ जाएगा 10 के पावर माइनस, यानी प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना है 10 के पावर माइनस 14, अपन बच्चों ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10 के पावर बेटा माइनस 11, माइनस माइनस पड़ जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 10 के पावर माइनस 3। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं 10 के पावर 3 इज इक्वल टू बेटा Cα, ऊपर दिया है फार्मूला, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 10 के पावर माइनस 3, ये बेटा हो जाएगा 0.05 m, तो बच्चों अल्फा जो हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो बेटा परसेंटेज ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ अल्फा हम निकालेंगे यहाँ पे, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ बेटा इसको ज़रा हटा लें हम यहाँ से, ये बेटा हो जाएगा आपका यहाँ, हाँ चलिए बेटा यहाँ पे हमने कर लिया, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा 10 के पावर माइनस 3, या ये बेटा हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 से सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज आप अल्फा हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 100, तो कह सकते हैं बच्चों
परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू होगा ये 2%। तो बेटा करेक्ट आंसर जो होगा ना बच्चों, वो बच्चों होगा बेटा ये आपका ये करेक्ट आंसर होगा बेटा ये आपका वन वन ऑप्शन वन बेटा क्या होगा वन करेक्ट होगा। राइट बच्चों, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री के। बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे आते हैं बेटा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा ये कह रहा है कि जो होता है CO3 यानी टू, ये बेटा कह रहा है अंडरगो एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या हो रहा है ये अंडरगो बच्चों कह सकते हैं ये किस में हो रहा है बच्चों, एनायनिक बेटा यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना बच्चों, ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है बच्चों। क्यों हो रहा है यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज, यहाँ पे समझ लीजिए कहेंगे बिकॉज सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस क्या है बच्चों, बिकॉज सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है बेटा हम उसे कहते हैं क्यों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चों। अब हम कहते हैं वीक एसिड क्या है यहाँ पे, ये देखिए आपका वीक एसिड है बच्चों यहाँ पे H2CO3 वीक एसिड है बेटा। कैन अंडरगो क्या हो रहा है ये भी कैन कह सकते हैं अंडरगो बच्चों हम कह सकते हैं ये भी क्या हो रहा है बच्चों एनायनिक, एनायनिक क्या हो रहा है बच्चों हाइड्रोलिसिस, एनायनिक बच्चों ये भी हो रहा है हाइड्रोलिसिस। तो लिखेंगे इन एनायनिक हाइड्रोलिसिस, लिखेंगे बच्चों इन एनायनिक हाइड्रोलिसिस, बच्चों इन एनायनिक हाइड्रोलिसिस में बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन बिकम स्लाइटली क्या हो रहा है बच्चों बेसिक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन बेटा यहाँ पर लिखेंगे स्लाइटली बच्चों क्या हो रहा है बच्चों बेसिक। तो बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि pH ग्रेटर देन बेटा 7 के है ना बेटा। तो ऑप्शन नंबर बेटा ये कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बेटा K2O CO3 बेटा सही है। तो हम ऑप्शन बेटा क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर बेटा ये थ्री के बेटा ये ऑप्शन नंबर ये 4 है ना K2O C3 है ना। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। इफ़ KSP ऑफ HgSO4 इज 6.4 × 10⁵ देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट बेटा क्या होगा है ना बच्चों। चलिए बेटा इसको तो इसे बेटा यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमने ले लिया HG लिया बच्चों यहाँ पे, अब बच्चों SO4 लिया बेटा। अब बेटा ये क्या होता है बच्चों HG हो गया 2+ हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बेटा SO4, अब बेटा 2- हो गया बेटा। यहाँ बच्चों हमने KSP ले लिया बेटा, तो ये हो जाएगा बच्चों HG 2+ है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों SO4, अब बेटा हो जाएगा 2- के है ना बच्चों। तो ये बेटा हो जाएगा S है ना बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों S × S, तो ये हो जाएगा बेटा S² के है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर लेंगे गिवेन KSP की वैल्यू दी ही है आपकी, तो KSP कितनी दी है बेटा 6.4 × 10⁵ बच्चों -5, देखिए दी है बेटा KSP की वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पे, तो 10⁵ बेटा 5 हो गया है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा 10⁵ बेटा 5 के, ये हो जाएगा 10⁵ बेटा 5 के है ना बच्चों। तो R बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे S² = क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें रखेंगे हम वैल्यू, तो KSP = ये हो जाएगा बेटा 6.4 × 10⁴ - 4 है ना बच्चों। तो ये बेटा हो जाएगा S = बच्चों आ जाएगा 7.9 × 10⁻³। तो ये हो जाएगी बच्चों S = 8 × 10⁻³। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये बच्चों हो जाएगा आपका 1 है ना बेटा। तो इस तरह से बेटा हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा ये 18 इफ KSP HgSO4 6.4 × 10⁴ देन सॉल्युबिलिटी KSP = बेटा हो जाएगा ये KSP है, आपने किया हुआ क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया बेटा। तो इस तरह से बेटा ये है S² को हो जाएगा, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बेटा 4 होगा। चलिए बच्चों ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ N/100 सॉल्यूशन केशियन ये आपका दिया है, एनिमोलिटी नॉर्मलिटी दोनों नॉर्मलिटी मोलिटी में होगी। तो बच्चों N/100 दिया है बेटा यहाँ पे हम आते हैं, तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं बेटा। ये बेटा हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए बच्चों यहाँ बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
तो बेटा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा फाइव की बात कर रहे हैं बच्चों, कि क्वेश्चन नंबर बच्चों फाइव क्या कह रहा है। बेटा फाइव क्वेश्चन नंबर जो है हम ये कह सकते हैं बेटा कि हमने सी एन लिया बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया सी एन है ना बच्चों। अगर हम सी एन लेते हैं तो ओ एच डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकलना होगा ना। चलिए बेटा हमने बच्चों यहाँ पर ले लिया सी एन ले लिया, अब बच्चों हमने एच टू ओ ले लिया बेटा। यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो मान लीजिए एस सी एन हो गया, यहाँ पे ओ एच आई एन हो गया बेटा। तो ओ एच आई एन क्या है, यहाँ पे हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ बेटा ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया बेटो बच्चों है ना। तो बेटा हम एच एच इक्वल टू कह सकते हैं बच्चों ओ एच है ना बेटा। यहाँ पे ये हो गया बेटा, हो जाएगा आपका सी एन ना बेटा। अब यहाँ बच्चों हम ले लेते हैं बेटा सी एन बेटा हो गया, ये हो गया प्लस बेटा एस टू हो गया बच्चों। ये हमने बेटा ले लिया एस सी एन, ये ले लिया बच्चों हमने ओ एच। एन बाई हंड्रेड बेटा यहाँ पे दिया हुआ, तो ये बेटा 0.0 × 100 हो जाएगा बच्चों। ये बेटा 0 0 हो रहा है, यहाँ बेटा हम ले लेंगे फिर बेटा यहाँ पर लेंगे 0 × 0 1 0 0 × 0 1 0 0 बेटा डिवीजन शुरू होगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा बेटा। ये बच्चों प्रोडक्ट एक्स एक्स बनेगा बेटा तो है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये फार्मूला है, ये अपने लाइक अप्लाई करेंगे के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई बेटा के। तो यहाँ बच्चों लेंगे 100 × 10⁻¹¹ तो ये बच्चों हो जाएगा 1.4 × 10⁻¹⁹ तो बच्चों हो जाएगा 7.14 × 10⁻¹⁹ को सॉल्व करेंगे होगा। तो बच्चों फिर हम यहाँ पे बेटा के बी लेते हैं बेटा, यहाँ पे के बी बेटा यहाँ पे लेते हैं बच्चों। तो बेटा हमने यहाँ पे लिया के बी, तो के बी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ फिर हम लेंगे एस सी एन के है ना बच्चों। ये हो गया बेटा ओ एच आई एन के है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों सी एन नेगेटिव चार बेटा, ये हो गया बच्चों। बेटा हमने यहाँ पे ले लिया एक्स इंटू एक्स अपन हो जाएगा बच्चों 0.0100-x के। तो ये बेटा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 0.0100-, क्या हो जाएगा एक्स के है ना बेटा। तो ये बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन बच्चों हो जाएगा 0.0100-x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7. सॉल्व करने पर 1.4×10⁻⁶ के। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सी एन माइनस से बेटा सॉल्व करेंगे के भी है ना बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों सी एन, ये हो जाएगा बच्चों 0.0100 तो बेटा हो जाएगा आपका 7.14×10⁻¹⁶। तो बच्चों ये कुछ सॉल्व करने पर बेटा ये हो जाएगा 400 के ग्रेटर दैन, तो सो बेटा हम लिखेंगे एक्स लेस देन हो जाएगा बेटा 0.100 है ना बच्चों। तो ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा है, कोई बात नहीं, इसे हम करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बेटा हम यहाँ पे लेते हैं देन, यहाँ बच्चों हमने लिया एक्स स्क्वायर बच्चों लिया, यहाँ बच्चों लिया 0.100 इज इक्वल टू 7.14×10⁻¹⁶। तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7.14×10⁻¹⁸। तो बच्चों एक्स आ जाएगा 7.14 है ना बच्चों, ये हो जाएगा 10⁻¹⁸। तो ये बच्चों आ जाएगा 2.6×10⁻¹⁴। तो बच्चों ये हो जाएगा ओ एच आई एन, ये आ जाएगा बच्चों हम कह सकते हैं बेटा एक्स इक्विवेलेंट पर लीटर बेटा। तो ये हो जाएगा 2.67×10⁻⁴ इक्विवेलेंट लीटर बेटा है ना बच्चों। तो बेटा ये हाइड्रोलिसिस हम निकालेंगे बच्चों, तो ये बेटा हो जाएगा आपका एच की वैल्यू बेटा हम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा सीधे सीधे ओ एच अपन सी एन। तो बेटा हम निकालेंगे तो ये बेटा वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो 2.67×10⁻⁴ है ना इक्विवेलेंट बेटा पर लीटर हो जाएगा बेटा। इसे बेटा हम सॉल्व करते हैं, ये तो ये हो जाएगा अपन ये बेटा अपन हो जाएगा यहाँ बच्चों करेंगे तो यहाँ बेटा करेंगे 0. लेंगे बेटा डिवाइडेड बाई, यहाँ बेटा कर देंगे बच्चों ये लग लेंगे 0.0100 तो ये बच्चों आ जाएगा 0.0267 के आसपास बेटा ये आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना इसका
जिसके बेटा ये हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा आपका क्षेत्र, बेटा ये हम कह सकते हैं बच्चों इसका आंसर जो है 0.0267 बेटा ये होगा ना बच्चों, इन ऑप्शन में से ये आंसर मेरे ख्याल से बेटा होगा। ठीक है, आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इज वाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो ये बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये कह रहा है, आइए बेटा इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि फॉर ए सॉल्ट, क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ये दिया है बच्चों फॉर ए, क्या दिया है बच्चों सॉल्ट, क्या है बच्चों हम कह सकते हैं A2, आइए बच्चों दिया है X3 है ना बच्चों। तो कहेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी है क्या है प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच है बच्चों, सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं एंड क्या है बच्चों सॉल्युबिलिटी बेटा ये प्रोडक्ट है बच्चों। तो बच्चों हम सीधे सीधे लेते हैं यहाँ पे KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेटा लिया, ये बच्चों हो जाएगा A³ बेटा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों X² जैसे आप हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 2S² ये बच्चों हो जाएगा 3S³ तो ये हो जाएगा बच्चों 108S⁵5 ये S है बेटा ध्यान रखिएगा S⁵5। तो हम S को क्या मान लेते हैं, S को हमने मान लिया है क्या मान लिया बच्चों, इसको मान लिया है y मोल पर डेसीमीटर ये बेटा क्यू। तो बच्चों कुछ नहीं हम यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर लिख देंगे, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, इस एस की जगह पर y को हम पुट कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू बेटा 108y⁵5 ये बेटा इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसका आंसर नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा बेटा, तो बच्चों 6 का आंसर बेटा ये हो जाएगा आपका 6 क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बेटा हो जाएगा ये 108 बेटा y⁵5 ये बेटा करेक्ट आंसर बेटा 4 हो जाएगा। अब आइए बच्चों कह रहा है द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इज ड्यू टू, किस वजह से होगा भाई चलिए बताते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बेटा ये कह रहा है फिनोफ्थलीन ऑफ सॉल्यूशन टर्म्स, ये बच्चों बोला है कि फिनोफ्थलीन फिनोफ्थलीन बेटा कह रहा है सॉल्यूशन बेटा कह रहा है फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन टर्न्स पिंक, क्या हो रहा है बच्चों ये हम कह सकते हैं टर्न्स बेटा हो रहा है ये बेटा कह रहा है पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, किसके प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा बोल सकते हैं किसके में हो रहा है बच्चों ये बेस के। ठीक है ये क्या कह सकते हैं दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्साइडाइन, क्या है बच्चों ये हम कह सकते हैं ये दिस इज क्या है बच्चों हाइड्रोक्साइड आयंस, क्या है बच्चों ये हाइड्रोक्साइड आयंस है ना बेटा, रिएक्ट किसके साथ कर रहा है विथ HD ग्रुप से, ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट विथ किसके साथ कर रहा है बच्चों, ये कर रहा है बच्चों एसिडिक किसके साथ बेटा ग्रुप के साथ HD ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है प्रेजेंट इन द लेड, किसके लिए प्रेजेंस में प्रेजेंट किसके प्रेजेंस में बेटा ये हम लिखते हैं बच्चों प्रेजेंट प्रेजेंस किसके कर रहा है प्रेजेंट किसी कर रहा है बच्चों एंड HD ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है ना बच्चों एंड क्या कर सकते हैं बच्चों लेड टू बी फॉर्मेशन ऑफ आयन, यानी हम कह सकते हैं लेड क्या करा है टू द फॉर्मेशन ऑफ बेटा क्या करा है यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों आयंस। तो बच्चों ये क्या हो रहा है नेगेटिव आयन हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों नेगेटिव आयन बेटा यहाँ पे हो जाएगा ना बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा, आज ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों करेक्ट ऑप्शन इज बेटा ये हो जाएगा आपका ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा 7।
नेगेटिव है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये कह रहा इफ़ के एस पी ऑफ सी एफ टू इन प्योर वाटर इज 1.70×10^-10 देन फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सी एफ टू इन 0.10 mNa ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ पे हम, ये क्वेश्चन 7 हुआ बेटा, हम क्वेश्चन नंबर बेटा हम बच्चों 8 की बात करते हैं। ये क्या दिया है बच्चों, एस भी द एस क्या है बच्चों, सॉल्युबिलिटी दिया है। एस क्या है यहाँ पे, ये बच्चों दिया है सॉल्युबिलिटी, है ना बेटा। आप किसका है बच्चों, किसका है सी ए और ये बेटा है एफ टू। तो 0.01 mM मोलर सोडियम फ्लोराइड, ये कितना है बच्चों फ्लोराइड कितना हो रहा है, कंसंट्रेशन इसका दिया है 10^-1 क्या दिया बच्चों, 10^-1 के, है ना बच्चों। तो यहाँ बेटा हम आते हैं, तो बच्चों यहाँ हम करते हैं कि सी ए, अब बच्चों हो गया एफ टू इज इक्वल टू बेटा हम लेंगे सी ए टू प्लस, ये बच्चों होगा एफ माइनस के, ये बेटा हो जाएगा स्क्वायर के। तो ये बच्चों का एस, ये हो जाएगा बच्चों 10^-7 मोलर। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लेते हैं के एस पी, के एस पी क्या हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये बच्चों हो जाएगा सी ए टू प्लस, अब बच्चों हो जाएगा ये एफ माइनस का क्या हो गया बेटा ये होल स्क्वायर। तो बच्चों ये के एस पी की वैल्यू दी हुई है 1.7। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा इसमें के एस पी की वैल्यू क्या है भैया आपकी, दी हुई है क्वेश्चन नंबर, के एस पी की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है 1.70×10^-10 के। चलिए बेटा तो ये आते हैं बच्चों के एस पी की वैल्यू आपकी बच्चों यहाँ पे दी हुई है ना बेटा। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम के एस पी की वैल्यू मानते हैं 1.7×10^ बेटा है -10 के, तो बच्चों हो जाएगा एस इंटू 10^ बेटा -2 के। तो बच्चों एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1.7×10^-8 mM, है ना बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों 0.1 mM। तो सोडियम फ्लोराइड विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.7×10^ बेटा -8, तो ये बेटा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसका आंसर देखते हैं बेटा क्या है, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर नंबर हो जाएगा ये बेटा 1.7×10^8, ये आंसर बेटा, हियर इज द आंसर, करेक्ट आंसर बेटा ये होगा 1.7×10^ बेटा क्या है -8 के। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ़ के एस पी ऑफ एम जी वेस्ट ट्वाइस इज 1×10^-12 आप बेटा दे रहा है 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी प्रिसिपिटेटिंग एट ए लिमिटिंग ऑफ द पीएच, है ना बेटा। चलिए बच्चों प्रिसिपिटेट मतलब समझ रहे हैं कि दो लिक्विड दिया हो मिसेबल होते, एक लिक्विड क्या होता है मिक्स हो जाता है, दूसरा लिक्विड क्या होता है या तो बॉटम के अंदर बैठ जाएगा या तो फ्लोर या सरफेस पर क्या करेगा फ्लोट करने लगेगा, है ना बेटा। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सॉल्व करते हैं। ये बच्चों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बेटा 9, यहाँ बेटा हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हम बेटा यहाँ पर लिखेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर बेटा ये 9 है ना बच्चों। तो हमने लिखा बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बच्चों ये हो गया बेटा प्रोडक्ट, है ना। तो बेटा के एस पी क्या हो गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे एम जी टू प्लस, अरे बेटा हो जाएगा ओ एच माइनस टू। तो इसको बेटा रीअरेंज द हम क्या करेंगे, रीअरेंज क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज करेंगे बेटा, है ना बेटो रीअरेंज एक्सप्रेशन। तो सीधे ही आ जाएगा ओ एच, यहाँ आ जाएगा बच्चों ये हो जाएगा बेटा रूट के एस पी अपन हो जाएगा बच्चों एम जी टू प्लस, तो बच्चों ये हो जाएगा ओ एच माइनस के, ये हो जाएगा बच्चों 1×10^-12 अपन बेटा हो जाएगा 0.01, ये बच्चों हो जाएगा ओ एच माइनस किसके हो जाएगा, ये देखिए ओ एच माइनस कितने हो गए बेटा ओ इंटू 10^-5 के। तो बेटा हम कैलकुलेट पी ओ एच फॉर्म को हाइड्रोक्साइड आयन में करना है, तो बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेट द पी ओ एच फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड ऑफ द कंसंट्रेशन। तो बच्चों पी ओ एच क्या होता है माइनस लाग डेथियम बट्टा, ये हो जाएगा ओ एच बट्टा माइनस के बच्चों,
तो ये बेटा इसकी वैल्यू दी है माइनस लाग, ये बेटा दी है 1 × 10⁻⁵, है ना बेटा। तो पी ओ एच कितना हो जाएगा, सीधे सीधे निकाल देंगे भाई, वही माइनस फाइव लेंगे तो माइनस फाइव 5 लाख 10 आ जाएगा। अब 5 लाख 10 तो 5 लाख 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 बेटा कितना होगा 5 × 1, तो पी ओ एच आपका निकल के सीधे आ जाएगा बेटा, मैंने डायरेक्ट कर दिया 5, है ना बच्चों। अब हम बेटा निकालते हैं कैलकुलेट पी एच, तो आपको पता है ये वाला फार्मूला पी एच इज इक्वल टू क्या, हम सीधे निकालेंगे 14 माइनस पी ओ एच के, तो बच्चों 14 में हम क्या निकालेंगे 5 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पी एच की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 9। तो ये बेटा ये करेक्ट आंसर ही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों बच्चों हो जाएगा 9 का आंसर, देखिए कितना आया बेटा क्वेश्चन नंबर 9, बेटा 9 का आंसर आया है आपका, ये देखिए आया हुआ है बेटा 9 का ऑप्शन, ये बेटा ये आप करेक्ट ऑप्शन है बेटा 2। तो बच्चों ये आ गया, आइए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा कि द पीएच ऑफ 0.05 mm सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर इज नियरली, है ना बेटा। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है ना बच्चों। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सॉल्व करते हैं, ये होगा बेटा 9 हो गया। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों 10 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कह रहा है H2SO4 बेटा यहाँ पे लेंगे बच्चों, ये बच्चों हो जाएगा 2H2O, ये बच्चा हो जाएगा 2H3O+, ये बच्चों होगा SO4 2-। तो बच्चों यहाँ पे लेते हैं 0.05, यहाँ बच्चों हो जाएगा 2H2O, तो 2 × हो जाएगा 0.005। तो पी एच हम बेटा यहाँ पर निकालेंगे सीधे सीधे, बहुत ये भी आसान है, लाग बेटा हो जाएगा 0.05 mm बेटा हो जाएगा ये 2 के, है ना। अब बेटा हम यहाँ पर सीधे देखिए बच्चों क्या आते हैं, यहाँ आते हैं बच्चों, ये हम आते हैं पी एच की वैल्यू हम यहाँ बेटा निकालते हैं, पी एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस लाग, ये बच्चों हो जाएगा 0.01 mm, तो ये हो जाएगा पी एच की वैल्यू बेटा, वही निकाल 10⁻¹, तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगी ना, मैं आ जाएगी 10⁻¹ कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 log 10 के, या 1 की वैल्यू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1, तो ये पी एच हो गया। तो बेटा हम यहाँ पर ये कर सकते हैं पी एच इज इक्वल टू 1, तो बच्चों हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये 0.05 mm आप, ठीक है ना बच्चों। ये बच्चों हो जाएगा H2SO4 कितना होगा बेटा 1 के, है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 1, यानी यहाँ पे बेटा आंसर होगा 1। तो हम बेटा देखते हैं आंसर 10 का क्या आंसर है बेटा यहाँ पे, तो बच्चों 10 का हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं बेटा, तो 10 के बेटा ऑप्शन नंबर बेटा ये होगा आपका 2, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर एच इन H2S, तो एच टू और एस, आपने एस को मान लिया एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 के, ये हो जाएगा +x, ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगा -2। तो बेटा ये इसका आंसर कौन होगा, करेक्ट आंसर बेटा 1 हो जाएगा -2। अब आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी इन CO2, तो चलिए CO2 का बेटा आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों। बेटा 12 क्या कर रहा है, CO2 का बेटा हमें निकालना है बच्चों, CO2 में बेटा C को हमने x मान लिया, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 × -2 चार्ज ओवरऑल 0, तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा 0, तो बेटा ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा +4 के, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 12 का आंसर बेटा करेक्ट आंसर ही 4 हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ऑक्सीजन नंबर सी इन CCCl2O, बच्चा इसमें क्या है, देयर इज नो नॉमिनल गेंस, यानी इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना लॉस होता है इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन, सो ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसका इसका क्या हो जाएगा बच्चों C2 और Cl2 दोनों का बेटा क्या होगा 0, तो यहाँ बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं CnCl2 बेटा हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आते हैं बच्चों H3 बेटा दिया है P2O7, तो बच्चों H3 P2O7 दिया है, तो बेटा इसको हम निकाल लेंगे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होगा बेटा,
तो हमने बेटा क्या निकाल लिया, H3 है ना बेटा, तो हमने निकाल लिया मान लीजिए हाइड्रोजन का 3 होगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा +1, यानी हम इसे कर लेते हैं, एक मिनट चलिए हम इधर निकाल लेते हैं बेटा, आगे है ना स्पेस नहीं है, तो हम क्वेश्चन 14 को इधर कर लेते हैं बेटा, हमने बेटा निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को, हम बेटा यहाँ पे कर लेते हैं है ना बच्चों। आइए बेटा हमने यहाँ कर लिया क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि बेटा H3 है, ये बच्चों P2 है, ये बच्चों O7 माइनस चार्ज है, तो बच्चों हमें इसका P का हमें निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, तो बच्चों ये 3 एटम हो गया, ये बच्चों +1 हो गया, अरे बच्चों P का निकालना है, तो बच्चों X मान लिया तो बेटा 2 × X हो गया +7 बेटा हमने लिया, ऑक्सीजन के बेटा -2 होता है चार्ज बेटा, ये यहाँ पर -1 चार्ज है बेटा, तो ये हो जाएगा -1 के, तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे +3 +2X प्लस ये हो जाएगा -7 -14, क्या हो जाएगा -14 इज इक्वल टू बेटा -1 के, यानी 3 + 2X -14 प्लस माइनस माइनस बेटा हो जाएगा बेटा -1 के, तो बच्चों यहाँ पे 2X इज इक्वल टू बेटा 10 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे +5, तो बेटा ये इसका आंसर होगा 14 का +5 के, क्या होगा बेटा ये 14 का हो जाएगा +5 के, तो बच्चों आते हैं 14 का हो गया बेटा ये आपका बेटा ये +5 के, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर बेटा 15 ये कह रहा है कि MnO4 का बेटा हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ना बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं बेटा, ये तो सीधे सीधे हम ही निकालते हैं, इसमें किसके में निकालना है Mn का निकालना है, तो ये हम सीधे क्या मानेंगे MnO4 माइनस है बेटा, तो Mn को हमने X मान लिया बेटा, 4 ये हो जाएगा बेटा -2 चार्ज ओवर वाल -1 है, तो X प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 8K इज इक्वल टू -1 के, तो X माइनस 8 इज इक्वल टू -1 के, तो बच्चों ये हो जाएगा X इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा +7 के, तो बेटा ये आंसर इसका 15 का ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक 3.8 × 10⁻³ व्हाट इज पीएच यानी इसका बेटा पीएच क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, चलिए बेटा यहाँ पे हम निकालते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बेटा बात करते हैं, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है आपका बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि बेटा एच आयन, हम बच्चों एच आयन हमने बेटा यहाँ पे लिया, ये बच्चों होगा 3.8 × क्या है 10³ pH बेटा किसका निकालना है हमें, सॉफ्ट ड्रिंक का निकालना है, किसका बच्चों निकालना है हमें, बच्चों निकालना है सॉफ्ट ड्रिंक का है ना बेटा, तो बच्चों ये pH हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा -log, ये बच्चों हो जाएगा H+K, ये बेटा हो जाएगा आपका -log, ये बच्चों हो जाएगा 3.8 × 10³ तो बच्चों यहाँ पे हम ले लेंगे -log बेटा log m × n का फार्मूला पता ही आपको, हमने बताया है सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं आपको, log 3.8 ये होता है बच्चों log 10³ बेटा -3 हो जाएगा, बच्चों ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे log 10 3.8 बेटा +3, तो ये बच्चों हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 0.58 +3, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.42 की, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ये का बेटा, ये आपका ये हो जाएगा 2.42 है ना बेटा, ये आंसर बेटा हो जाएगा आपका 2.42, क्या हो जाएगा आंसर 2.42 इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ओशन इज अबाउट 2 × 10⁹, व्हाट इज इट्स pH, ठीक है बच्चों आइए सॉल्व करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है करते हैं सॉल्व यहाँ पे, ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी यहाँ तो आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ये कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन हो गया, ये बच्चों दिया है 2 × 10⁻⁹ के, तो pH क्या होता है बच्चों आपको पता ही है, लॉग हमने क्या ले लिया बच्चों H+K, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा -log, ये हो जाएगा बच्चों 2 × 10⁹ बेटा -9, तो ये हो जाएगा बच्चों -log, ये हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा log × 10⁻ बेटा हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा बच्चों -log × 10⁻² −log 10 × 10⁻ बेटा -9 हो गया, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -0.3
पॉइंट थ्री बेटा आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 लाख बच्चों को 10 की पावर बेटा 10, तो ये हो जाएगा बेटा -3 प्लस 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 8.7। ये बेटा आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, 8.7। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर बेटा 18 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। बेटा फाइंड द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड मिक्सिंग 2.5 ml 0.5 ml सॉल्यूशन HCl एंड 10 ml 0.5 ml सॉल्यूशन NaOH ऑफ द वाटर, कितना होगा। तो बच्चों इसे हम सबसे पहले बेटा यहाँ पर निकालते हैं बेटा, ये होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये बच्चों हम पहले लेते हैं बेटा, यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट, क्या है बच्चों ये मिली इक्विवेलेंट बेटा HCl है ना बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोलरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मलिटी में हो जाएगी। तो बच्चों मोलरिटी नॉर्मलिटी में हो जाएगी तो बच्चा HCl हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0.5 × 2.5 के, तो हो जाएगा बच्चों 12.5 के। नहीं मिली इक्विवेलेंट HCl है, जब कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉर्मलिटी में। तो बच्चों हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चा, ये हो जाएगा बच्चों मिली इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा बच्चों 0.5 × 10 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 के है ना बच्चों। यहाँ पर एच आयन का कंसंट्रेशन हाँ बेटा चेक करूँ अगर जो, तो बेटा हो जाएगा एच प्लस के, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 12.5 - 5 अपन हो जाएगा बच्चों ये 5.0 के, तब ये हो जाता है बच्चों 15 × 10⁻²। तो बेटा हम यहाँ पी एच कर सकते हैं 2 - लॉग बेटा हो जाएगा 1 पॉइंट बेटा हो जाएगा ये 5 के, 1 पॉइंट बेटा ये हो जाएगा 5 के है ना बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट लॉग हो जाएगा बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 1.5 के, यानी पी एच की वैल्यू को बेटा सॉल्व करेंगे तो बेटा 0.8239 बेटा इसका ये आंसर, ये बच्चों ये आएगा, ये बेटा इसका आंसर बेटा आएगा। लेकिन बेटा हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर जो हम बेटा हाँ ठीक है, तो बेटा हम इसे ये बेटा हम इसे इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अगर जो हम चाहें तो। मोलरिटी हमें दी हुई है, गिवन दी है बच्चों यहाँ पे है ना बेटा, मोलरिटी गिवन दी हुई है। तो बेटा हम एम बी इज इक्वल टू कर सकते हैं मोलरिटी, या हम बच्चों यहाँ पर कर सकते हैं मोलरिटी या बेटा हम कह सकते हैं एसिड, क्या कह सकते हैं बच्चों मोलरिटी ऑफ एसिड इंटू बेटा हम बोल सकते हैं बी वन इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं ये होता है बच्चों बेस के, क्या होता है बच्चों बेस के इंटू हो गए बेटा वी टू के। तो बच्चों एम की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 0.5 × 25 बेटा 0.5 × 10 बच्चों अपन भी हो जाएगा बेटा, तीनों के मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ बच्चों 0.5 × 25 बेटा 0.5 × 10 के, यहाँ बच्चों हम तीनों को क्या करते हैं 25 + 10 + 15 को हम ऐड कर लेंगे। तो बच्चों ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 12.5 - 5 अपन बेटा हो जाएगा 50, एम हो जाएगा बच्चों 7.5 अपन हो जाएगा बच्चों 500 के, ये हो जाएगा बेटा 15 / 100 के। तो बच्चों हम कह सकते हैं 3/2 के, तो यह बच्चों हम कह सकते हैं एच प्लस एज इक्वल टू बेटा हो जाएगा 0.15 के। तो बेटा पी एच की वैल्यू हम निकाल लेंगे माइनस लॉग, ये हो जाएगा 0.15 के, तो ये बेटा सॉल्व, तो ये भी हो जाएगा 0.824 के आंसर इसका बेटा ये आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा हम इसे भी इस तरह से बेटा हम कर सकते हैं। आते हैं बच्चों बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेटा कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CR इन CrO5। चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 19 क्या कर रहा है यहाँ पे हम आते हैं बच्चों बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 बेटा ये आ गए हम यहाँ पे, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं हमें CrO5 में CR का क्या हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है बच्चों हमें मालूम करना है। ठीक है बेटा, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे बेटा हम, बेटा हमने ले लिया ये बेटा हमें ले लेंगे बेटा, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा बच्चों। तो ये बेटा हम लेते हैं यहाँ पे ओ, ये बेटा हमने लिया, ये बेटा हमने लिया, ये बच्चों हमने लिया ओ, ये बेटा हम पर ऑक्साइड लिंकेज है
तो यहाँ बेटे ऑक्सीजन नंबर माइनस टू होगा, यहाँ बच्चे माइनस वन, यहाँ माइनस वन बेटा, यहाँ माइनस वन, ऑक्सीजन बेटे माइनस वन। तो यहाँ बच्चे बोलेंगे स्टार स्ट्रक्चर ऑफ सीआरओ फाइव है द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर विच इज़ द ऑक्सीजन आर क्या होने पर ऑक्साइड है बेटा वन एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बेटा ये क्या हो टू है ना। ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा इसे, बोलते हैं बच्चों इसे बोलते हैं बटरफ्लाई बेटा, ये स्ट्रक्चर बोला जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो ये कह सकते हैं बच्चों कि स्ट्रक्चर ऑफ सी आर ओ फाइव हैज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इन विच फोर ऑक्सीजन आर क्या है बच्चों फ्रॉम द पर ऑक्साइड। देखिए फोर ऑक्सीजन है ना बेटा, ये बेटा वन ऑक्सीजन बेटा, टू बेटा, ये थ्री है बेटा, ये फोर, ये फोर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बेटा लिंकेज है। एक वन ऑक्सीजन क्या है बच्चों ऑक्साइड है ना बेटा। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन बेटा, इसका माइनस टू बच्चों, इन सब का बेटा माइनस वन। तो बच्चों हम इधर निकाल लेंगे बेटा, एक्स मान लेंगे बेटा सी आर का प्लस फोर बेटा माइनस वन बेटा प्लस वन, ये हो जाएगा बच्चों माइनस टू, ये इज इक्वल टू ओवरऑल जीरो। तो बेटा इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा प्लस सिक्स, तो ये बेटा हो जाएगा करेक्ट आंसर है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा, हम किसकी बात करते हैं बेटा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर बेटा हम इसकी बात करते हैं, ये है बेटा ये क्वेश्चन नंबर, ये द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली एल्कली मेटल इज ऑलवेज। तो ये बेटा ये है हमेशा किस कितना लेते हैं बेटा, इसको हम हमेशा लेते हैं बेटा, हम लेंगे बेटा इसको लेंगे बेटा हम प्लस वन लेंगे है ना बेटा। क्या लेंगे बेटा हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम क्या लेंगे प्लस वन, तो ये बेटा प्लस वन हो जाएगा। इस तरह से बेटे सारे बच्चों ये बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा इसको सॉल्व करेगा, जहाँ होगा डाउट हम फिर क्लास में इसको, जहाँ आप लगेगा कि कहीं दिक्कत हो रही है तो बेटा हम क्लास में बेटा इसको बच्चा डिस्कस बच्चों हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, इसे आप करिएगा, कोशिश करिएगा बेटा सॉल्व करने की है ना बच्चों। तो चलिए बेटा हम इस क्वेश्चन को बेटा हम यहीं पर अब क्या करते हैं बच्चों ब्रेक करते हैं। तो बेटा इस तरह से सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा है ना बेटा। चलिए बच्चों हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब बेटा हम इसे फिर आप जो है कोशिश करेगा, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा हम क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों।